Students, welcome to my channel ECH Education. This is my last worksheet, worksheet 3 of Algarten. So my paragraph is Indra Gandhi, Mrs. Indra Gandhi. Okay. As you on the Indra Gandhi. Mrs. Indra Gandhi was the beloved leader of the people of India. After her downfall 1977, the people has again placed the country in her hand in 1980 she was the first woman prime minister of india she was born on november 19 1970 she got her education of allahabad oxford and shanti niketan after it she had been a member of the india national congress in 1959 she was elected president of national congress it was only after the death of her father that she became the minister of information and broadcasting. after the untimely death of sri lal bahadur shastri in 1966, she was elected prime minister of india. it was under her leadership in 1971 that india defeated pakistan and broke its Back forever. She nationalized all the major banks and abolished private purses. These were two bold steps. Now she had to face many challenges. The demand of Khalistan made her restless. The whole of Punjab came in the grip of terrorism. These two things turned the gold temple into the first fort list. The Akalis presented a great challenge to her. As a custodian of the country's unity, she had to order the army to enter into the Golden Temple. It freed the temple complex of terrorists. On the black Wednesday morning on 31st October 1984, she was shot dead at her residence by two, if, if her own security guard named Bayant Singh and Satvan Singh. The national mourned her death. In her death, the nation lost a worthy maker of India. ये पैराग्राफ आपका मिसेस इंदिरा गांधी के ऊपर था उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली ठीक है वो कौन सी पार्टी की सदस्य थी उन्होंने कब अपना पद संभाला और लाल बहादुर शास्त्री से कैसे रिलेटेड थी पाकिस्तान को कैसे उन्होंने हराया है ना उनके डिसीजन एक लेडी होने के बाद भी उन्होंने हमारी कंट्री को संभाला ये इस पैराग्राफ का मेन थीम समझ लीजिए क्योंकि एक लेडी बहुत कुछ कर सकती है अपनी कंट्री के लिए तो उन्होंने करके दिखाया और फिर उन्होंने गोल्डन टेम्पल को किस तरीके से बचाया है क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उन्होंने गोल्डन टेम्पल के लिए और फिर उनको किसने मारा उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मारा जिनका नाम क्या था कब मारा ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं तो अब हम क्वेश्चन करते हैं एट स्टार्ट ए नंबर शी हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस टेक द ऑप्शन दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइन वर्ड अब चैलेंजेस का सेम मीनिंग क्या है तो उसका सेम मीनिंग है डियर इट फ्रीड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ टेररिस्ट वॉट यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टेररिस्ट का मतलब क्या रहता है भाई आतंकवादी तो सभी लोग जानते हैं बट तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होता है आंसर इज अ पर्सन हु इज यूज वस सी वॉट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ द मेन आइडिया इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप पूरा भी लिख सकते थे द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज ठीक है मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके आंसर चेंज हो सकते हैं नो इशू नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है डी नंबर वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम द पैराग्राफ आपने पैराग्राफ से क्या सीखा अ वुमेन कैन हैंडल द कंट्री वेरी वेल एक वुमेन कंट्री को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है है ना आपकी सोच के अनुसार कुछ और भी हो सकता है नो इशूज ई डू यू थिंक दिस पैराग्राफ एज ए सुटेबल टाइटल यस बिकॉज अरे मैं ए ई -E लगाना भूल गई हूँ बेटा बिकॉज में ई e आएगा बी ई सी ए यू एस ई बिकॉज वी टॉक अबाउट इंदिरा गांधी इन दिस पैराग्राफ ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है एप नंबर का वट वॉज द नेम ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताओ जिसने इंदिरा गांधी को शूट किया था नीचे ही बोल्ड अक्षर में दिया हुआ है ना बेअंत सिंह एंड सतवंत सिंह और आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हो द सिक्योरिटी गार्ड नेम्स आर जो कुछ भी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जी यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस डिफिटेड का आपको पैराग्राफ में ही ढूंढना है और लिखना है इंडिया डिफिटेड पाकिस्तान इन 1971 या फिर आप उसका पूल फुल सेंटेंस भी एज इट इज लिख सकते हैं आर्मी

तो यहाँ पर आपका हो गया क्लियर नाउन प्रेजेस इसको मैं इतना डीप एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने अर्लियर आपको एक्सप्लेन कर चुका है ऑलरेडी मेरे दोनों वर्कशीट्स uh, में सेम पैटर्न है ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थ्री सेम पैटर्न अगेन राइट द मेल एंड फीमेल नाउन फॉर द गिवन कॉमन नाउन कॉमन नाउन देखिए फोर दे रखिए इसका मेल और फीमेल आपको निकालना है ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर सर्वर लियन मेयर चिकन रूस्टर हैंड ओके क्वेश्चन नंबर फोर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउ बसेस एंड ट्रक वैप्ड ऑफ रॉबर्स रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं बैंड बी शीप इ डैश ऑफ मंकी एवरी थिंग मंकी के ग्रुप को क्या बोलते हैं ट्रुप मंकी तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि हमारे आस पास बहुत सारे मंकी देखने को मिलते हैं तो आप इसको डेली कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं सी द सर्फेस वॉज कवर्ड विद अ डैश ऑफ स्टोन स्टोन के ढेर को क्या बोलते हैं हीप ओके अब आएगा नेक्स्ट वर्कशिप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर वन लर्न एंड राइट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मैंने बताया है एग्जाम में ये स्पेलिंग्स आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं मिलेंगी। वी डिटेक्ट दिस स्पेलिंग एंड यू हैव टू लिसन एंड नोट इट इन योर आंसर शीट ओके फर्स्ट सर्कस क्वेश्चन नंबर टू इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फर्स्ट इज द क्रोकोडाइल स्वैम लेजीली इन द अब देखिए क्रोकोडाइल है स्वैम मतलब वो तैर रहा है तो किस में तैरेगा रिवर में तो तैरेगा ना नदी में इसलिए आंसर आएगा रिवर सेकेंड सचिन डैश हॉकी आफ्टर स्कूल अब हॉकी को क्या करते हैं तैराते तो नहीं है चिल्लाते तो नहीं हैं हॉकी तो खेली जाती है इसलिए यहाँ पे आएगा प्लेस थ्री ही लॉफ्ट अब वो हंसा कैसे हंसा लाउडली ज़ोर से हंसा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट द करेक्ट होल वर्ड्स ओके फर्स्ट इज ही इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द फैमिली वो फैमिली का क्या था इंपॉर्टेंट स्टार्टेड था या स्कोर था अरे फैमिली का अगर है तो वो मेंबर ही तो होगा ना तो आंसर आएगा मेंबर द टीम विद द हाइस्ट विन अब हम जब कुछ गेम खेलते हैं और जीतते हैं तो हाइएस्ट क्या होता है हमारा स्कोर ठीक है थ्री द बेबी डैश क्राइंग लाउडली अब एक बच्चा है वो जोर जोर से रोना क्या कर रहा है स्टार्टेड शुरू कर दिया उसने जोर जोर से रोना ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर राइट अ पैराग्राफ टेन ट्वेल्व सेंटेंस ऑन द टॉपिक माई फैमिली एज इट इज जैसे पिछली वर्कशीट में मैंने टॉपिक्स टेन से ट्वेल्व बना दिए थे मतलब टेन से ट्वेल्व मैंने लाइन्स लिख दी थी ऐसे मैंने माई फैमिली पे लिखा है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं नो इशूज़ 1. My name is Neha Singh. 2. I live with my parent, grandparent, uncle, and aunt. 3. My father is a teacher. 4. My mother is a housewife. 5. My parents are very lovely. 6. My younger brother is naughty. 7. My grandparents love us a lot. 8. My uncle and aunt are very caring. 9. We always eat and play together. 10. I love my family very much. आप इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल कर सकते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए मैंने आपके इस हाँ मैंने आपके इस वर्कशीट में इस चीज़ को ऐड किया है यू हैव टू लर्न दिस ऑल द थिंग्स डेली डेली आपको फाइव फाइव लर्न करोगे तो वो हो जाएगा कंप्लीटली बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि क्या याद करना है तो ये कलेक्टिव हैं जिसके बारे में आपको याद करना है कि इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं पीपल्स का भी है एनिमल्स का भी है और थिंग्स का भी है ठीक है उसके बाद एक और है ये है आपका कॉमन नाउन जो आपके एग्जाम पैटर्न के लिए कंपलसरी ही है दोनों चीज़ें कॉमन male and female so you will see here and learn it past to flock all of you thank you very much bye bye Take